दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि ऋतिक रोशन ने विक्रम वेदा फिल्म की शूटिंग यूके और दुबई में पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। मतलब कि पहले विक्रम वेदा फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, जब इस फिल्म की शूटिंग दुबई और यूके में स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर ऋतिक रोशन ने पूरी तरीके से कम्प्लीट कर ली है। और ऋतिक रोशन सहित इस फिल्म की टीम पूरी इंडिया वापस आ चुकी थी 20 नवंबर के आसपास। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फिल्म की टीम इंडिया वापस आते ही फिर 2-3 दिन बाद इंडिया में भी इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, विक्रम वेदा फिल्म की शूटिंग इंडिया में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म की शूटिंग से अभी तक सैफ अली खान नहीं जुड़े थे, लेकिन दोस्तों कल से इस फिल्म की शूटिंग में सैफ अली खान भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब इस फिल्म की शूटिंग ऋतिक रोशन और सैफ अली खान दोनों ही एक साथ कर रहे हैं। और इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है, इसके बाद में कई सारे शहरों में चलेगी, जैसे कि बनारस, बिहार, यूपी। मतलब कि विक्रम वेदा फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जगहों पर चलेगी और इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से यहीं पर तैयार की जानी है। फिर इसके बाद में लास्ट में इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में चलेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया जाएगा। सुइसी के साथ फिर इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि अब इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस फिल्म की अनाउंसमेंट 10 जनवरी के मौके पर की जाएगी, क्योंकि 10 जनवरी को ऋतिक रोशन सर का बर्थडे है, सो उनके बर्थडे के मौके पर इस फिल्म की अनाउंसमेंट की जाएगी। सिर्फ दोस्तों, मुझको एक बात की बहुत ज्यादा टेंशन है कि ऋतिक रोशन जन्मदिन के मौके पर कोई नई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना कर दें, नहीं फिर से विक्रम वेदा फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते होते रह जाएगी। बाकी दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताना कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट कब की जानी चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म की अनाउंसमेंट सुनने के लिए।